जय माता दी। मित्रों, हम आज से आपके लिए एक नई वीडियो सीरीज लेके आए हैं कि घर के वास्तु, कि घर की जो सभी स्थान है उसको वास्तु के अनुसार कैसे बनाना चाहिए, कहाँ होना चाहिए। जैसे आपका मुख्य द्वार हो गया, घर के मालिक का शयन कक्ष हो गया, बच्चों का अध्ययन कक्ष हो गया, रसोई घर हो गया, आपकी सीढ़ियां हो गई घर की, साथ में शौचालय, स्नान घर इत्यादि। तो आज हम आपसे बात करेंगे घर के मुख्य द्वार यानी फ्रंट डोर के बारे में। घर के मुख्य द्वार को मुख्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहीं से हर चीज घर में प्रवेश करती है और वहीं से बाहर निकलती है। इस तरह मुख्य द्वार का संबंध घर के हर सदस्य से होता है। साथ ही वास्तु मानता है कि घर का प्रवेश द्वार घर में वास करने वाले सभी सदस्यों की सामाजिक, मानसिक और आर्थिक स्थिति पर भी असर डालता है। इसलिए आपके घर के मुख्य द्वार का निर्माण बहुत ही सोच समझ कर ही करवाना चाहिए ताकि इससे कोई भी वस्तु दोष ना जुड़े। अगर घर का मुख्य द्वार वास्तु दोष से मुक्त रहेगा तो घर में कोई भी दुख या विपदा प्रवेश नहीं कर पाएगी और घर में हमेशा सुख समृद्धि और मंगल ही वास करेगा। साथ ही इससे घर के हर सदस्य के मन में एक दूसरे के लिए सदाचार की भावना रहती है और परिवार का सामंजस्य भी बना रहता है। आज हम आपको कुछ ऐसे वास्तु उपाय बता रहे हैं जिनको ध्यान में रखते हुए ही आप अपने घर के मुख्य द्वार का निर्माण करें। घर के मुख्य द्वार का निर्माण करवाते वक्त आप इस बात का ध्यान रखें कि जिस दिशा में आप द्वार बनवाना चाहते हो उस दिशा की चौड़ाई को आप 9 बराबर हिस्सों में बांट लें, जिसमें से 5 हिस्सा दाएं हाथ की तरफ के और 2 हिस्से बाएं हाथ की तरफ के छोड़ दें। बचे हुए 2 हिस्सों में ही आप घर के मुख्य द्वार को बनाएं। अगर द्वार उत्तर या पूर्व दिशा में है तो यह आपके लिए अधिक लाभकारी सिद्ध होता है। जिस प्रकार मानव शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियां में से मुख का एक अहम स्थान होता है, उसी प्रकार घर का द्वार भी घर का मुख्य ही होता है और इसलिए मुख्य द्वार घर के बाकी दरवाजों से अधिक अहम होता है। तो आप इसका आकार बाकी दरवाजों से थोड़ा अधिक बड़ा और चौड़ा रखें। इसे वास्तु में भी शुभ माना जाता है और यह आपके घर का आकर्षण भी बढ़ाता है। अपने मुख्य द्वार को हमेशा साफ और सुंदर बनाए रखें। इसके लिए आप द्वार पर कोई ओम, स्वास्तिक, केले के पत्ते, कलश इत्यादि रख और बना सकते हैं। ये सब परंपरागत तो है, साथ ही इनसे घर में सुख, शांति और समृद्धि निश्चित रूप से प्रवेश करती है। घर को नकारात्मक से दूर रखने के लिए आप मुख्य द्वार पर घंटियां, झालर, क्रिस्टल बॉल इत्यादि भी लगा सकते हैं। डर से हमारा अर्थ दक्षिण मुखी घर से है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जिस घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा की तरफ होता है उस घर में कुछ भी सही नहीं होता है। उस घर में सभी किसी न किसी रोग से ग्रस्त रहते हैं। मुखिया का मान हानि होती है, घर में धन की हानि के साथ साथ ऋण चढ़ा रहता है, आए दिन परिवार के लोगों के साथ कोई बुरी घटना होती रहती है और कई मामलों में तो अकाल मृत्यु का भी जिक्र हुआ है। किंतु कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है कि आपका दक्षिण दिशा में ही अपने घर का मुख्य द्वार बनाना पड़ता है। इस स्थिति में घर के बाकी वस्तु को बदलकर ऊपर लिखी समस्याओं से
मुक्ति पाई जा सकती है। इस स्थिति में घर के बाकी वास्तु को बदलकर पहले बताई समस्याओं से मुक्ति पाई जा सकती है। तो इस समस्या से ग्रस्त लोग घर बनवाने से पहले किसी अच्छे वास्तु शास्त्र से ज्ञाता से मिलना बिल्कुल ना भूलें। दक्षिणमुखी घर बनाने वाले लोग नीचे कमेंट कर हमसे भी संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपने अनेक ऐसे दरवाजे देखे होंगे जिनके दरवाजे खुलते वक्त आवाजें आती हैं। इनकी आवाज सुनकर ऐसा लगता है जैसे दरवाजा किसी संकट में हो या उसे कोई दर्द हो रहा है। चलो फिर मानव मुख की ही बात करते हैं। ऐसी आवाजें मुंह से भी तभी आती है जब मुंह में दर्द हो। इसलिए आप अपने दरवाजे का पूरा ध्यान रखें और इनमें समय समय पर तेल या ग्रीस देते रहें और हो सके तो ऐसी गेट लगवाएं जिनमें से ऐसी आवाज आने की समस्या ही ना आए। रसोई का निर्माण। अब आप सोच रहे होंगे कि मुख्य दरवाजे के बीच में रसोई कहां से आ गई। बात यह है कि आप घर के प्रवेश द्वार के ठीक सामने कभी भी रसोई का निर्माण ना करवाएं। इससे घर में रोग का संचार उत्पन्न होता है जो एक बड़ी समस्या है। सफाई। अक्सर लोग अपने मुख्य द्वार के सामने ही कूड़ा डाल देते हैं। किसी का तो हैंड पंप भी मुख्य द्वार पर ही लगा रहता है और कोई अधिक छाया के लिए द्वार के उपाय कुछ लगवा देते हैं। ये सब नकारात्मक को जन्म देते हैं जो मुख्य द्वार से सीधे घर में प्रवेश करते हैं। तो ऐसा भी बिल्कुल ना करें। जब भी आप नए घर का निर्माण कर रहे हो तो आप मुख्य द्वार के लिए ना तो कोई पुरानी चौखट का इस्तेमाल करें और ना ही पुरानी कड़ियों का। ये घर की नवीनता पर प्रभाव डाल सकते हैं। जैसा कि सब जानते हैं कि तुलसी का जीवन में कितना महत्व है, साथ ही तुलसी को माता के रूप में भी पूजा जाता है। इनके घर में होने से घर पर कभी भी कोई विपदा नहीं आती और ना ही कोई बुरी शक्ति घर में प्रवेश कर पाती है। इसलिए आप भी घर में तुलसी का पौधा लगाना बिल्कुल ना भूलें और इसकी रोजाना पूजा करें। इसके साथ ही घर में सुख शांति और समृद्धि को बढ़ाने के लिए आप कछुए की उत्तरी दिशा में स्थापित करें। अनेक ऐसे घर होते हैं जो मुख्य द्वार का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते और ना ही उसकी सफाई की ही करते हैं। इस तरह दरवाजे में जाले लगने लगते हैं जिसे राहु का प्रतीक माना जाता है। ऐसी घरों में राहु प्रवेश कर लेता है और अपना दुष्ट प्रभाव बनाए रखता है। राहु के भयंकर प्रभावों से बचने के लिए आप समय समय पर अपने घर के मुख्य द्वार को साफ करते रहें। आशा है कि ये जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और लगनी भी चाहिए। इसी तरह आप हमारे वीडियो को देखते रहें और लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें कि आने वाले वीडियो आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।